हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ अपने सैमसंग के गैलेक्सी M51 के वन यू आई 2.5 अपडेट का एक छोटा सा रिव्यू। और इस अपडेट के अंदर काफ़ी कुछ नई चीज़ें आई हैं जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक मेजर OS अपडेट है हमारे स्मार्टफोन के लिए। ये ए सीरीज़ वाले फीचर्स भाई यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। अभी दिखाता हूँ आपको सब कुछ एक एक करके। तो सबसे पहले तो हम चल लेते हैं फ़ोन की सेटिंग्स में, अबाउट फ़ोन में, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वन यू आई 2.5 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कोर वाला वर्जन है जो कि हमें एम सीरीज़ में देखने के लिए मिलता ही है। और जो सिक्योरिटी पैच है 1 नवंबर 2020 का है। नॉक्स का वर्जन यहाँ पर देख सकते हो 3.5 दिया गया है। अब यहाँ पे बैक चलते हैं। सबसे पहले ना मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो हमारे फ़ोन है इसके अंदर कोई हैप्टिक फीडबैक का आपको ऑप्शन नहीं दिया गया था जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था। और काफ़ी सारे फ़ोन्स में सैमसंग नहीं देता है, इवन कि ए सीरीज़ का जो A51 है उसके अंदर भी नहीं था, जो मेरे पास है वो फ़ोन। तो उसके बाद भी अपडेट के बाद आ गया था, लेकिन इस अपडेट के बाद कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं। सबसे पहले तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट में हम जाते हैं, तो लास्ट अपडेट जो है ना यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हैप्टिक फीडबैक को इनेबल किया गया है और जो सिक्योरिटी है स्मार्टफोन की उसको इम्प्रूव किया गया है। बाकी इस चेंज लॉग में ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे साइज़ लिखा हुआ है 962 MB और सिक्योरिटी पैच के बारे में लिखा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं बताया सैमसंग ने, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे हम जाएंगे सेटिंग्स के अंदर और साउंड एंड वाइब्रेशंस के अंदर। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम साउंड एंड कंट्रोल्स हैं। ये तो साउंड्स का है, कब कब कौन कौन से एक्शन पे आपको साउंड चाहिए। और यहाँ पे वाइब्रेशंस का भी, यानी कि टच करोगे आप डायल पैड पे भी देगा, नेविगेशन जेस्टर्स पे देगा और सैमसंग कीबोर्ड। यहाँ से अगर इसको आप इनेबल कर दोगे तो आपको टाइपिंग के टाइम पे भी वाइब्रेशन फील होगी और इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो वाइब्रेशन पैटर्न, जैसे कि बेसिक कॉल वाली है, एक हार्ट बीट वाली है, टिकटॉक, ये अलग वाला टिकटॉक है भाई, ये वॉल्ट है, एक जिगजैग है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इंटेंसिटी को भी भाई कम ज़्यादा कर सकते हो, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। बाय द वे गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार, बेल आइकन को भी दबा देना ऐसी कमाल की वीडियोज़ देखने के लिए। जो सेकंड फीचर है यार, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ए सीरीज़ के फ़ोन में मिलता है, वो है सिक्योर फोल्डर का। यहाँ पे आपके एक आइकन दिख जाएगा, अगर ये नहीं दिखता है आपको तो टॉगल में दिख जाएगा। और यहाँ से आपको इसको सेटअप करना पड़ेगा अपनी सैमसंग आईडी या फिर गूगल आईडी से साइन इन करके, उसके बाद आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा। तो सिक्योर फोल्डर में आया और यहाँ पर देख सकते हो ये पासवर्ड मांगता है। अभी मैंने इसको लॉक नहीं किया होता इसलिए इसने मेरे से पासवर्ड नहीं मांगा। और यहाँ पे जैसे अभी ये देख सकते हो मांग रहा है, तो इसको मैं अनलॉक कर सकता हूँ। बाकी मैं इसका पैटर्न सही करके दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि सिक्योर्ड बाय नॉक्स भी लिखा हुआ है। इसके अंदर जो मेन फीचर है कंटेंट सजेशन का मिलता है। यहाँ पे आपको सारा कंटेंट ये सजेस्ट करता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको हाइड करनी चाहिए, इमेजेस वगैरह। यहाँ पे ना ये देख सकते हो, यहाँ पे आई वन आइडेंटिफाई यूज बाय सजेस्टेड प्राइवेट कंटेंट। और यहाँ पे पीपल्स वगैरह आप ऐड कर सकते हो, जो कि AI की मदद से ये फेस को यहाँ पे स्कैन करेगा और उसके बाद आपको रिकमेंड करेगा कि ये वाली फोटोज़ आप हाइड कर सकते हो। और मतलब आप ऑटोमेटिकली भी इसको हाइड करने के लिए छोड़ सकते हो कि एक पर्टिकुलर बंदे की फोटो या फिर लड़की की फोटो हाइड कर दे। और ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप ऐप्स भी रख सकते हो, यहाँ पे ऐड ऐप्स का ऑप्शन है, तो प्रॉपर प्ले स्टोर या फिर गैलेक्सी स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। और फोन वाली ऐप्स भी यहाँ पे रख सकते हो जिसको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। ऐड फाइल्स का ऑप्शन है जिसमें इमेजेस, वीडियोज, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, माई फाइल्स में कोई भी अपनी पर्सनल चीज को रख सकते हो और वो बिल्कुल सिक्योर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉक्स सिक्योरिटी मिलती है हमें इस एम सीरीज के फोन के अंदर। प्लस यहाँ पे आपके पास कोई और दूसरी सेटिंग्स भी हैं, जैसे कि कस्टमाइज कर सकते हो आप यहाँ पे इसके आइकन वगैरह को, इसके नाम को, जाके किसी को पता ना चले इसके बारे में। और सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे लॉक टाइप भी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है। और फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो तो डिसेबल भी कर सकते हो फिंगरप्रिंट्स को। यहाँ पे मेक पैटर्न विजिबल को हाइड कर सकते हो, लॉक वगैरह ऑटो लॉक भी कर सकते हो इसको जब स्क्रीन ऑफ होगी, या आफ्टर 5 मिनट्स या फिर इमीडिएटली आप कर सकते हो ताकि ये बार बार पासवर्ड मांगे। ये क्विक स्विच का एक ऑप्शन मिलता है, सबसे ज़्यादा ये हाईलाइट किया गया था LZ फीचर के नाम से सैमसंग की ए सीरीज़ में। तो क्विक स्विच टू सिक्योर फोल्डर, क्विक लॉन्च कैमरा और ओपन कैमरा। तो ये कैसे काम करता है, जैसे आप होम स्क्रीन पे हो और क्विकली आपने 2 बार प्रेस किया और आपका यहाँ पे सिक्योर फोल्डर ओपन हो जाएगा और डायरेक्टली आप जा सकते हो। और ये एक और तरीके से काम करता है, फॉर एग्जाम्पल आप हो सिक्योर फोल्डर के अंदर और आप कुछ भी अपना प्राइवेट चीज़ को ब्राउज कर रहे हो और कोई भी एकदम से आ जाता है, तो इसको आप 2 बारी, 1 बारी ऐसे करके प्रेस करते हो तो सीधा आप होम स्क्रीन पे आ जाओगे। सो गाइज, यही 2 मेजर चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं इस अपडेट के अंदर। तो आप ज़रूर से भाई इसको चेकआउट करना, और आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आपने कुछ भी नया नोटिस किया हो तो वो भी आप मुझे बता देना। बाकी जो इसका एंटूटू स्कोर वगैरह है वो मोर और लेस सिमिलर आया था, हमने चेक भी किया था, तो उसमें भी ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं आया है। परफॉर्मेंस इस फ़ोन की अभी भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको अपडेट कर सकते हो। सो गाइस, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी कमाल की वीडियोज़ के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।